गुरु ग्रंथ साहब जी ने ये पढ़ाई कराई है। आखो सतनाम। मैं कई बार लिटल भाजी है शब्द पढ़ता ना, हां हां प्रभ राख ले, इसका की मतलब होया हां हां दो बारी आया पढ़ाई है। हां हां का की अर्थ है, भी मेरे हाथ खड़े है, मेरे हाथ खड़े बस तेरी बख्शिश मैनू रख सकती, कह दो गज के साथ हां हां प्रभु राख ले। हम ते कछु ना होवे मेरे स्वामी, कर कृपा अपना ला। हाँ 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 मेरे हाथ खड़े। ये गल मैं पता नहीं सुनानी चाहिए कि नहीं, मेरे अपने बेटे नू पीलिया हो गया, और गल भी कोई मैं 15-20 साल पहली, तो तुहानू पता है पीलिया फस जाता कई बार। पीलिए ले बंदा डॉक्टर को खड़ता है, तो डॉक्टर जेडे अंग्रेजी दवाइया ग्लूकोज नहीं चढ़ाते ने, कुछ मूँह नहीं देते ने, वो गर्म होंदिया दवाइया होर वधी जांदा, 5 तो 7 पॉइंट हो गया, 7 तो 9। असी लोग तो डॉक्टर को खड़ सकते हैं, ताड़ी दौड़ते नहीं, 9 तो 11 हो गया, 20 तक चला गया, 22 तक अंग्रेजी दवाइया दे ही जा रहे हैं, वधी जा रहे। ये बड़ा भैड़ी बीमारी फस जाता है, दवाइया दो बधी जाता है, अंग्रेजी अंग्रेजी दवाई ना पीलिया थले आता रही, डॉक्टर मनते नहीं। आखो सतनाम। तो कुछ देसी दवाइया ने या कुछ और लिक्विड या शरबत, वो भी वो एड्डी जल्दी गुरु ही बचा। ये मेरे ना अपने ना पीते 15 दिन 20 दिन महीना, कभी इधर दाखिल करा कभी उधर करा, फस गया बी दवाइया अंग्रेजी देने तो वधी जाते। हूँ एहोजे वेले मान लो 1.5 महीना 2 महीने पूरा इतना ही मैं रहा हॉस्पिटल जाना, फिर 4 दिन घर ले आना, वो भी सुनी जानी। हूँ एहोजे वेले मैनू कोई मिले मैनू दसो, मैं उन्होंने कवे मैं कह कोई नहीं वह भाणा है जी, ये समझ लो मैं अपने के आप टोया टोया पुट रहा। आखो सतनाम। वो कहते फिर कोई नहीं साहब, मैनू एक बड़ा गुरमुख बंदा मिले, बहुत गुरमुख बंदा मिले मैनू, कहता भाई गुरगोबाल सिंह काम कर, ये 22 साल की गल मैंने घरेलू गल सुना चाहिए कि नहीं, पर चलो आप अपने पंज बैठे। मैनू कहते भी 21 पाठ जपजी साहब करके दरबार साहब चल जा, अंदर वड़न तो पहले ना हाथ खड़े कर दी, हाथ खड़े कर दी, कहती गुरु रामदास मेरे हाथ खड़े ने, बस तू काम सीधा पा दे। आखो सतनाम। गुरु रामदास आ पढ़ाई कर ली, सिख ने दूजिया नहीं कर ली, उदा पाना जी वो अपने लिए आप दूजी चीज कर। मैं कहने जे याद हाथ अजे अंदर नहीं बड़े चौड़ी पौड़ियों ने बने, कहते पहले बाहर ही हाथ खड़े कर दे। गुरु रामदास मेरे हाथ खड़े, मैं 2.5 महीने हो गए थक गया, डॉक्टर चेंज कर ऐसा फस जाता जी, अंग्रेजी दवाइया ने वधी जाता, दूसरिया कुदरत वालों ही काट कर कर। मैं कहते भी अज हाथ खड़े कर, इन्हू कहते हाँ हाँ प्रभ महाराज हूँ बस हाडी खत्म है, तू रख ला। मैं कहते जी 21 पाठ करके जमीन तैयार हो जाएगी, पुन तैयार हो जाएंगे, तो उत्थे जो अंदर बढ़न तो पहले ही हाथ खड़े का भी मेरे हाथ खड़े गुरु रामदास अज एहोजी बख्शीश दे के तोर दे कि चौड़ी पौड़ियों ले बनो, ज्यों ज्यों मैं तेरिया पौड़िया उतरा, ज्यों ज्यों पौड़िया थले आवा, त्यों त्यों महाराज गुरु रामदास कला वरता दे, तिवें तिवें एक एक पौड़ी दे सदका पीलिया थले आ जाए। आखो सतनाम। संग जी ये की है, इनू केड़ी पढ़ाई कहोगे, इनू आ पढ़ाई कहोगे, सिख बावां खड़िया कर दे मेरा नहीं कोई पता, मैनू बख्शी दे खाते च वरके पाड़े, कर्मा द्वारा नहीं पाड़ सकते, लेखे द्वारा नहीं पाड़ सकते। संग जी चलो गुरु ने कोई सियाणप भी नहीं काम आती, किसी की कोई वह भी नहीं होवे, जो कुछ अंदरों होवे वो फिर जो इतना ही दास ने किसी नहीं दस्या, इन जी जाके हाथ खड़े, मैं महाराज साढ़े हाथ खड़े है।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਝ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੀਲੀਆ ਉਤਾਰ ਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ 20 ਦਾ 18, ਉਧਰੋਂ 18 ਦਾ 16, 16 ਦਾ 14, ਜਦੋਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੀ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ ਆਸਰਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਖੇ ਪਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗ, ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਢਹਿ ਪੈ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਲਿਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕੇ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕੇ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।